तो दोनों टीम का एनालिसिस तो हमने आपको कर दिया, अब बारी है हमारे जो वार्म अप मैचेस में। जैसे कि आजकल बारिशें बहुत ज़्यादा चल रही हैं तो वीक वन हम पूरा नहीं कर सके थे, वीक वन में कोई मैच नहीं हुआ, इसे सब टीम ने एक एक पॉइंट शेयर किया। वीक टू की अगर बात करें तो वीक टू में इस अभी संडे को मैचेस हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा अपसेट्स भी हुए हैं जिनको मैं सोच नहीं रहा था ऐसे होंगे अपसेट्स जी। तो पहला मैच था मलिक इलेवन वर्सेस पख्तूनस, तो क्या हुआ इस मैच में? पख्तून ने टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला किया, विकेट को देखकर के मॉइस्चर है, अच्छा ठीक है कि बॉलर उनके थोड़े क्विक थे कि उनको बेनिफिट देंगे, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग मैचेस, अर्ली मॉर्निंग मैचेस थे, हर टीम यही प्रेफर करती है कि मॉइस्चर हो विकेट पे तो बॉलिंग की तेज बॉल, तेज बॉल ताकि वो दूसरी टीम को मुश्किल हो खेलने में, ताकि लो स्कोर हो और आराम से चेज हो जाए। बिल्कुल ऐसी है जी। तो क्या आपको कितना टारगेट था जी? ये टारगेट था मलिक इलेवन ने दिया 187 टारगेट दिया 20 ओवर्स में, बहुत अच्छा स्कोर था ये। और इनका ताहिर खान बहुत अच्छा खेला है, देखिए 41 बॉल्स पे उसने 53 रन स्कोर किए, जबरदस्त। तो ये भी लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस मैच। और जुबैर जो उनके कैप्टन है, देखें उन्होंने बहुत अच्छा, बड़ी अच्छी नहीं खेली उन्होंने, क्योंकि जिसको बोलते हैं 21 बॉल्स पे उन्होंने 43 रन किए। क्या ऐसा हुआ बॉलिंग में? इनके पास अच्छे बॉलर थे, देखिए जैसे फहद है, ए अली बट था ठीक है, और फराज खुद एक अच्छा बॉलर है, और मलिक रईस है। देखिए मलिक रईस ने उस वक्त बॉलिंग की कि जब सब बॉलर को कुट पा रही थी, मार पा रही थी, और उसने बहुत अच्छे चार ओवर्स किए हैं, दो किए हैं, 20 रन, जबरदस्त, बड़ी अच्छी इकोनॉमी से उसने बॉलिंग की है। अगर आप देखिए T20 में 7 की इकोनॉमी भी कुछ नहीं कहती, और ये 5 की इकोनॉमी है, तो बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छे उसने। और ये स्कोर इस हाई स्कोरिंग गेम में इतनी अच्छी बॉलिंग करना तो बड़ी अच्छी बात। इनके बॉलर्स को देखते हुए, इनका स्कोर कार्ड देखते हुए मुझे लग रहा था कि लग रहा है कि ये स्कोर कार्ड जो स्कोर है ना 187 ये कम है, अच्छा क्योंकि मलिक ने अच्छी बॉलिंग कर दी बीच में, अच्छा हाँ जी, नहीं तो ये 220 तक जा सकता था, 200 अबव हो सकता था। तो पख्तून चेज में आई और चेज से बहुत क्लोज मैच गया, तो क्या देखते हैं किसकी किस तरह हार गई थी पख्तून? पख्तून के मिसाइल हुई बैटिंग में, अच्छा अच्छा अच्छा, बैटिंग का वही प्लेयर सुपर से ठीक है, ऊपर से अच्छा है। जब उनको 12 बॉल्स पे मेरे ख्याल से 6 रन चाहिए थे, अच्छा 12 बॉल पे 6 रन रह गया था जी, बिल्कुल विकेट लास्ट हो गई, नहीं विकेट 2 पड़ी थी, अच्छा मतलब ये लोग तो मैच कवर कर चुके थे, कवर कर चुके थे ऑलमोस्ट। फहद वही कह रहे हैं, फहद बहुत अच्छी नहीं खेल गया था, फहद ने लास्ट बॉल पे बजाय सिंगल करने के 6 मारने की कोशिश की, आउट हो गया, मिस हिट हुआ और आउट हो गया, फिर नीचे हमारे पास फराज था और उसके बाद उमर था, तो वो फिर 6 स्कोर नहीं हुआ, वो मेरे ख्याल से 5 स्कोर से हार गए, वेरी क्लोज मैच, बहुत क्लोज। तो ये अभी वार्म अप मैचेस चल रहे हैं, आगे देखिएगा क्या क्या होता है। तो सेकंड मैच था हमारा वर्ल्ड 11 और शहींस का, वर्ल्ड 11 वंस अगेन अच्छा स्कोर पोस्ट करते करते फिर कोलैप्स किया एंड में उन्होंने, क्योंकि मुझे जो पहली अपडेट मिली थी कि वो पहले 15 ओवर में उनका 120 के करीब स्कोर हो चुका था, 120-22, अच्छा, और फिर देखें वो 139 पे ऑल आउट हो गई, इनके अगले 5 प्लेयर जो इनके थे, हाँ, वो 15-20 स्कोर के अंदर, और उसमें एक वो बड़ा था, मैं इनका स्कोर कार्ड फुल देख रहा था कि शहबाज फिर वंस अगेन फर्स्ट बॉल डक, शहबाज एक बहुत अच्छा प्लेयर है इनका मगर नहीं परफॉर्म कर पा रहा, आई डोंट नो क्या मसाइल चल रहे हैं, मगर वो भी डक किया उसने और बाकी भी इस तरह फ्लॉप हुआ नीचे। नहीं वर्ल्ड 11 की एक चीज़ देखें, इन्होंने टॉस जीत के पहले बैटिंग की, हाँ अभी देखो टीम देखिए टेस्टिंग कर रही है अपने, हर टीम की स्ट्रेटेजी है ना कि वो डिफेंड किस तरह कर सकते हैं, कुछ चेज की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो शहींस की अगर बात करें, शहीन ने बहुत है कन्विंसिंगली मैच आराम से जीता, और ये तकरीबन आप देखें उन्होंने मुअज्जम कोई एक नए प्लेयर उन्होंने ऐड किया स्क्वाड में, उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, और ये शहीन साहब खुद बहुत अच्छा खेले हैं, क्योंकि वो ना देखे कि 25 गेंदों पर 24 किया, वो देखना होता है किस मोमेंट पे किया, किस मोमेंट पे किया, जरूरी नहीं है दोनों साइड से आप चौके छक्के मार रहे हो, तो एक साइड पे एक बंदा स्ट्राइक रोटेट कर रहा होता है, दूसरी साइड पे एक बंदा मार रहा है स्कोर, तो वो देखें फिर भी उन्होंने कितने 16 ओवरों में पूरा कर दिया, 16 ओवरों में 16 ओवरों में चेस कर दिया, तो ये इनका रन रेट भी बड़ा अच्छा हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि जो टीम अच्छा चेस करेगी कम ओवर्स में कम बॉल्स में वो टीम ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली रन रेट में ऊपर आ जाएगी। और इधर इम्तियाज जो है उसने 52 बॉल्स पे 45 रन्स किए, अच्छा जी इम्तियाज साहब थोड़े से बैट चलने लग गया, उनका बैट चलने लग गया, अच्छी बात है, इम्तियाज अच्छे प्लेयर थे मगर बड़े से स्कोर नहीं हो रहा था इनसे। और शुएब इनका ट्रम्प कार्ड थे, वंस अगेन फ्लॉप गए। बॉलिंग में देखें शहीन 11 की शानी है, उसने 4 ओवर किए हैं, 4 आउट किए और 20 रन, जबरदस्त T20 के गोल्डन फिगर्स में से मैं काउंट होते हैं T20 में। इन्होंने बेसिकली इनके
स्लोअर वंस बहुत अच्छे हैं, कटर्स बहुत अच्छे मारते हैं, और लेफ्ट आर्म है बहुत ज़्यादा पेस नहीं है मगर वेरिएशन है, वेरिएशन और एक्यूरेसी बहुत अच्छी, एक्यूरेसी और वेरिएशन मैटर जी। तो बाकी बात करें अगर उनकी बॉलिंग की, उनकी बॉलिंग में तस्वीर ने देखें बड़ी अच्छी बॉलिंग की हुई है। ये जिस तरह स्कोर हुआ है 16 ओवरों में 144 हुआ है, उसमें तस्वीर का अगर देखें तो बड़ी स्टैंड आउट परफॉर्मेंस कर रहा है तस्वीर, अच्छी बॉलिंग कर रही है, दोनों का बहुत अच्छा। वकास तो बहुत एक्सपीरियंस बोल रहा है ना, तस्वीर यंगस्टर है, बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। फिर आसिफ ने भी विकेट्स लिए हैं, तो अच्छी बात है कि आसिफ ने विकेट्स कॉलम में अपना नाम लिखवाया है। थर्ड मैच फिर हमारा हुआ ट्रॉफी फाइटर और अलाहाबाद। अच्छा ये मैच वार्म अप मैचेस का मतलब कह लें बहुत बड़ा टाकरा था जी, बिल्कुल ऐसे ही। और ट्रॉफी फाइटर भी बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है अलाहाबाद से, हम ऑलरेडी बता चुके हैं, मगर इधर अलाहाबाद शाह ने प्रूव किया दे आर मच स्ट्रॉन्गर देन ट्रॉफी फाइटर्स। मतलब बहुत ही सुकून से मैच जीत गए। आप देखें हुआ क्या मैच में, स्कोर कार्ड तो दिखाएं इनका, स्कोर कार्ड जी ये देखें, स्कोर कार्ड में इन्होंने 10 आवर्स में 58 पे ऑल आउट कर दिया ट्रॉफी फाइटर्स को, 20 आवर्स के मैच में 10 आवर खेले टीम ने। और ये वो ट्रॉफी फाइटर भी बहुत स्ट्रॉन्ग स्क्वाड है, जब हम स्क्वाड का एनालिसिस करेंगे तो आप देखेंगे इनके टीम में कौन कौन से बड़े 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 नाम बड़े नाम हैं। सो अल्लाह बादशाह के देखिए हसन ने परफॉर्म किया 2 ओवरों में 6 रन देके 3 विकेट लिए हैं, फिर शाहजेब बड़ा अच्छा कर गए, ये भी बहुत अच्छा है। अब्बास ने देखें, अब्बास अनसेकंड कैप्टन था, कैप्टन ने तो फिर करना ही था, तो ये बड़ा अच्छा एक वो था। और अगर अल्लाह बादशाह की फिर बैटिंग की बात करें, ओनली 6 ओवर्स में उन्होंने चेस किया, ये शानी वही जिशान है, जिशान बताया था 19 का प्लेयर है, और वो भी 18 में 35 मतलब आउटस्टैंडिंग इनिंग्स। और इनकी बॉलिंग देखें अगर ट्रॉफी फाइटर्स की, तो हैदर ने 1 ओवर में 3 आउट किए और 2 रन दिए। वेरी जब मैंने भी अभी देखा है हैदर ने 1 ओवर में 2 रन दिए और 3 विकेट्स दिए, तो उनको ओवर क्यों नहीं करवाया फिर, ये तो कैप्टन की गलती थी फिर इसका मतलब, या उनको लेट लेके आए थे शायद, मे बी लेट लाए था, उन्होंने आके आउट कर दिए, तो ज़बरदस्त। मगर अल्लाह बादशाह ने प्रूव किया दे आर स्ट्रॉन्ग कंटेंडर, जैसे मैंने कहा था आप नहीं मान रहे, मगर मैं मान रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं मान रहा, मगर मेरे और भी बहुत सी ऑप्शन और भी ऑप्शंस हैं, लेकिन मगर मैं अल्लाह बादशाह बस चेक कर रहा हूँ अभी के लिए। नेक्स्ट मैच था जी राइजिंग स्टार्स एंड अल्लाह तवक्कल। अल्लाह तवक्कल का स्क्वाड हम ऑलरेडी आपको बता चुके थे कि, और अल्लाह तवक्कल ने फिर परफॉर्म करने की कोशिश की, क्लोज मैच किया, और मगर राइजिंग स्टार एक अभी न्यू टीम है, न्यू टीम है, हमें उनके बारे में इतना ज़्यादा नहीं पता था, अभी जिस तरह वार्म अप मैचेस में खेलेंगे हमें आइडिया होता रहेगा उनकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस का भी। और 192 पोस्ट किया, बड़ा अच्छा टोटल था राइजिंग स्टार ने जो पोस्ट किया 20 आवर्स में, और अल्लाह तवक्कल वंस अगेन चेस करते करते क्लोज गई जी। स्कोर कार्ड देखें देखें अल्लाह तवक्कल ने टॉस जीत कर पहले बॉलिंग की, ठीक है, और 192 उन्होंने किया, पख्तून वाली स्ट्रेटजी थी इनकी भी, मगर चेज नहीं हुआ, ये देख लेना आप, वही है, लेकिन उनकी बॉलिंग अच्छी, बॉलिंग लाइनअप अच्छी होगी इनकी ना। तो मनान जो है उसने 38 बॉल्स पे 53 रन किए हैं, ये वो मैं वही कह रहा हूँ इनका भी हम प्लेयर्स का पता नहीं था, मीन्स मनान अब्दुल मनान जो है ये, फिर उसामा है बॉलिंग में भी देखें, उसामा ने विकेट्स लिए, उसामा ने एक अच्छा ऑलराउंडर है मेरे ख्याल से, लेट्स सी आगे देखते हैं, क्योंकि नई टीम है अभी हमें आइडिया नहीं इनके, मगर अल्लाह तवक्कल फिर मैंने वही कहा था ना एक्सपीरियंस या इनको लेके बैठेगा या उठा जाएगा। तो सयाम देखें बॉलिंग भी करी है इस बार, सयाम ने हालांकि सयाम वैसे बॉलिंग यूजली नहीं करते, तो सयाम ने इस बार बॉलिंग किया तो उन्होंने अच्छा वो 3 विकेट्स ले रही थी। और इधर उबैद ने स्कोर करने की कोशिश की है, जहांजेब ने किया है, मगर अनफॉर्चुनेटली चेज नहीं हुआ, चेज करना बहुत डिफिकल्ट होता है, 192 10 रन पर आवर हर कॉन्टीन्यूसली 20 ओवर तक नहीं होते, नहीं होते ऐसे। डार्क हॉर्सेस वर्सेस पंजाब लॉयंस, ये एक बहुत ही शॉकिंग रिजल्ट था मेरे लिए अभी के, डार्क हॉर्सेस 206 करके चेस किया पंजाब लॉयंस ने। अब इनका अगर आप पूरा स्कोर कार्ड देखें जी, तो मैं आपको ये दिखाता भी चलूँ यहाँ पे स्कोर कार्ड पे, अगर फुल स्कोर कार्ड देखें जो मैं देख रहा था, बिलाल होंडा ने 100 किया, आपको देखें 59 बॉल्स पे कोलैप्स कर गई थी डार्क हॉर्सेस के, 12 पे 3 आउट थे और 3 ओवर्स में पहले। अब देखिए ना इन्होंने भी ये वो किया, इन्होंने अब इन्होंने स्ट्रेटजी डिफरेंट की, इन्होंने डिफेंड करने की तरफ गए, इन्होंने पहले बैटिंग की, मुश्किल पिच था मगर बिलाल होंडे की एक्सीलेंट इनिंग, मतलब स्टैंड आउट परफॉर्मेंस थी, सारी टीम ने मिलकर इतना स्कोर नहीं किया जो उन्होंने कर दिया 59 बॉल पे 117, उन्होंने बहुत ह्यूज ह्यूमंगस सिक्सेस मारे हैं जी जी। पंजाब लॉइन फिर वंस अगेन उन्होंने प्रूव किया कि वो अंडर डॉग्स हैं, अंडर डॉग्स कभी भी कुछ भी कर सकते, कुछ भी कर सकते, और वो उन्होंने किया, चेस किया। इसमें मगर मैं देखूं डार्क हॉर्सेस का जो वीक पॉइंट रहा, कैन यू बिलीव कितने एक्स्ट्रास हुए होंगे, 35 to 40 75 एक्स्ट्रास थे, आर यू सीरियस, यस
तो वहीं पे मैच खत्म हो जाता है, आप 200 के चेज में 75 एक्स्ट्रा दे रहे हैं, तो बाकी तो टीम ने 100 स्कोर करना है, 120 स्कोर करना वो तो कर लेगी। इनकी तो बॉलिंग की लाइन भी बड़ी स्ट्रॉन्ग है। बस यही मसला ना, हर दफ़ा ज़रूरी नहीं होता ऑन पेपर जो स्ट्रॉन्ग टीम है वो ग्राउंड में भी अच्छा परफॉर्म करें। सो डार्क हॉर्सेस को ये चीज़ देखनी पड़ेगी, क्योंकि इट्स एन अलार्मिंग सिचुएशन फॉर देम। अगर वो इसी तरह परफॉर्म करते रहे फिर उनका ये WC T20 लीग में कोई चांस नहीं लग रहा मुझे। नहीं नहीं चांस तो है, लेकिन एक मैच से हमको ये प्रोडिक्ट नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी देखें नजम 59 किया उसने 32 बॉल, बाकी अगर आप स्कोर कार्ड देखें पूरा ओवरऑल टीम ने इतना खास कुछ नहीं किया, ये दो तीन बंदे ने स्कोर किया बाकी एक्स्ट्रा। मगर पंजाब लायंस ने अपने वो हिम्मत नहीं आ रही एंड तक वो लड़ते रहे, क्योंकि 200 का चेज जब भी करना होना ये मैंने देखा है लास्ट ओवर तक मैच जाता है और एंड तक आपको फाइट करनी पड़ती है। और पंजाब वालों ने इस तरह की तो 19वें ओवर में चेस कर ले उन्होंने, तो बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस और आराम से चेस किया, 5 आउट हुए उनके। हाँ जी बिल्कुल ऐसी है, और ये उनके 3 आउट तो जल्दी हो गए थे, उसके बाद उन्होंने आराम से ये अदनान और नजम की बहुत अच्छी पार्टनरशिप गई, उन्होंने आराम से मैच ले गए। अब देखो ना अदनान और नजम जब खेल रहे थे उस दौरान एक्स्ट्रा भी होता रहा, तो देखें वो उनकी 100+ पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली बन जाती थी। बिल्कुल ऐसे, और टीम प्रेशर जो प्रेशर था उससे बाहर आ गया, आराम से चेस ऑब्वियसली। ये डार्क हॉर्सेस को देखना पड़ेगा आगे। स्टार्स 11 एंड यूनाइटेड स्टार, ये आज का आखिरी मैच था। स्टार्स 11 भी नया एडिशन है इस बार WC T20 में, बहुत अच्छे इनके कप्तान है नुमान, टीम को भी अच्छा लीड कर रहे हैं। तो पहले मैच के लिहाज से अच्छी परफॉर्मेंस थी, 143 उन्होंने पोस्ट किया, ऑल आउट हो गए वो, मगर जिसके अगेंस्ट मैच था वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी यूनाइटेड स्टार। स्कोर कार्ड दिखाएं जी, देखें जी, यूनाइटेड स्टार ने वही जो हर टीम करती है मॉइस्चर दे के बॉलिंग का फैसला किया, मगर इस बार उन्होंने चेज भी किया, चेज भी किया, बड़ी अच्छी बात है। और चेज भी 2 विकेटों पे किया, यानी कि 148 चेस किया 13 ओवरों में, 14 ओवरों में चेस कर लिए, सुकून से जीते हैं वो लोग। उधर से मुजम्मिल ने अच्छी बॉलिंग की है, ठीक है, 4 ओवर किए हैं, 2 आउट किए हैं। अनीप उनका कैप्टन है, बहुत अच्छा लीड करता है टीम को, बड़ा अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया। और इसके बाद ये देखिए आप यूनाइटेड स्टार्स के उसामा ऑलरेडी स्टार है, बिल्कुल स्टार है, और अच्छी बात है वो क्लिक कर गए अब। हाँ अभी से वार्म अप मैच में अगर वो उसकी हिट लग रही है, यही उनका एक प्लस पॉइंट है टीम का। बिल्कुल न्यू एडिशन है, वो भी अच्छा प्लेयर है, उन्होंने बहुत अच्छा किया है परफॉर्म। न्यू टीम थी स्टार्स 11, तो उनको भी सेट होने में WCL T20 में एडजस्ट होने में टाइम लगेगा। बिल्कुल आप जिन नए एनवायरनमेंट में जाते हैं, नए ग्राउंड्स में जाते हैं, जाहिर बात है उस चीज को आपको देखना होता है, तो ऐसा ऐसा वही ना वो मैचेस का इनके फायदा यही है। बिल्कुल टीम्स आए देखें हमारे इधर खेलें, उनको पता लगे जब लीग स्टार्ट हो वो अपना परफॉर्मेंस दें। बिल्कुल ऐसी, और देखिए ओवरऑल बड़ा अच्छा वीक 2 रहा, अब वीक 3 आने वाला है। वीक 3 में किस किस के मैचेस हैं, किस किस के साथ, वो जरा हम आपको बता दें, और उसमें हम अपने प्रेडिक्शन भी देंगे कि कौन किस तरह परफॉर्म कर सकता है। ले जी वीक 3 आ रहा है, इस बार वीक 3 में पख्तून और राइजिंग स्टार का पहला मैच है वीक 3 का। 26 जुलाई को मैच खेले जाएंगे इतवार को सुबह 5:30 बजे, मौसम ने इजाज़त दी तब, क्योंकि आजकल मानसून सीजन स्टार्ट हुआ है तो बारिशें बहुत ज़्यादा हैं। अभी पख्तून का मैंने मैच देखा है, तो उन्होंने मलिक क्लोज मैच था, मलिक 11 जैसी टीम को एक टफ टाइम दिया है, तो पख्तून के साथ ही जाऊंगा मैं। मगर राइजिंग स्टार न्यू टीम है, आप उसको हल्का नहीं ले सकते, उन्होंने अल्लाह तबरक को हराया है और बड़ा बड़े मार्जिन से हराया। पख्तून इसको कह सकते घर की टीम है। अच्छा है, वो इस जो पख्तून एक्सपीरियंस टीम है, पुरानी टीम है, पुरानी टीम है और सारे सीजन खेली है, और राइजिंग स्टार न्यू टीम है, तो ये आप एडवांटेज दे रहे हैं। एडवांटेज यही है, मैं इसमें कोई प्रेडिक्शन नहीं दूंगा, जो मैं उसमें 50-50 के क्या होता है, मैं अभी आई एम नॉट श्योर के मैं राइजिंग स्टार इतना इजीली नहीं हारेगी मैच, अनलेस राइजिंग स्टार आ जाए। ये भी है उनका इशू, नई टीम है, उनके इश्यूज आ रहे हैं कि प्लेयर्स उनके पूरे नहीं आ रहे, तो वो इश्यूज उनकी टीम को फेस करने पड़ रहे हैं। अगर वो प्लेयर्स पूरे आते हैं मैच बहुत अच्छा होगा। नेक्स्ट अप इज यूनाइटेड स्टार वर्सेस ट्रॉफी फाइटर्स। ट्रॉफी फाइटर की जो हालत में अभी मैच में देखी 59 पे वो ऑल आउट हुई है, तो मैं यूनाइटेड स्टार के साथ जाऊँगा। अच्छा आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, ट्रॉफी फाइटर के कप्तान से मेरी बात हुई थी, वो इस बार बहुत स्ट्रांग हो गए हैं ये याद रखिएगा, इसमें थोड़ा सा ईजी हो गए पिछले मैच में वो शायद, तो मैं इसमें ट्रॉफी फाइटर को फेवर नहीं, इजी उनको होना नहीं चाहिए था, क्योंकि वो जो उनके ओपोनेंट थे उनकी आपस में बड़ी लगनबाजी है। जिसको ट्रॉफी फाइटर जो है ना न्यू टीम है, तो पहला मैच था, अभी वो एक्सपीरियंस कर रहे थे उस चीज़ को, तो वो उस एक्सपीरियंस में बेचारे लगे गए जी सही। तो अब मे बी ट्रॉफी फाइटर मैं मेरी मगर फेवर ट्रॉफी फाइटर के साथ, ये नहीं कि मैं यूनाइटेड स्टार को पसंद नहीं करता, यूनाइटेड स्टार्स बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, अगर इस मैच में मैं ट्रॉफी फाइटर को फेवर दूंगा। आपकी यूनाइटेड स्टार है, मैं यूनाइटेड स्टार के साथ। चले जी ठीक हो गया। वर्ल्ड 11 वर्सेज पंजाब लॉयंस, दोनों एक जैसी टीमें। इस बार आप प्रिडिक्ट करें पहले। इसमें पंजाब वालों ने डार्क हॉर्स को जिस तरह का मैच हराया है, वो फील्डिंग की वजह से अपने हारे थे मोस्टली मैच, डार्क हॉर्स भी ज़्यादा जो मैं देख रहा था,
और इसमें देखें तो मैं फेवर दूंगा इस मैच में वर्ल्ड इलेवन को। वर्ल्ड इलेवन हारी भी है वो हल्का नहीं रहेगी, वो स्ट्रॉन्ग होकर आएगी। वर्ल्ड इलेवन अच्छी टीम है लेकिन पंजाब लॉयंस ने 207 चेस किया है, तो मैं तो पंजाब लॉयंस के साथ ठीक हो गया। देखते हैं क्या होता है, देख लेते हैं सर। अच्छा डार्क हॉर्सेस वर्सेस स्टार्स 11, इसमें आप प्रेडिक्ट करते हैं क्या होगा? मैं प्रेडिक्ट डार्क हॉर्स के साथ जाऊंगा। डार्क हॉर्सेस के साथ जाएंगे, मेरा भी प्रेडिक्शन तो डार्क हॉर्सेस है, मगर स्टार्स 11 अभी न्यू टीम है, अभी मे बी वो क्लिक करेंगे उनके प्लेयर्स, तो कुछ कह नहीं सकते, मैच अच्छा होगा। फिर आते हैं अल्लाह बादशाह एंड मलिक 11, बहुत बड़ा मैच है, बहुत बड़ा मैच है। इस मैच को हम कह सकते हैं यंगस्टर वर्सेस एक्सपीरियंस। मगर मलिक 11 को मैं हल्का नहीं दे सकता, क्योंकि मलिक 11 बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। अच्छा एक बात बताऊँ, मलिक 11 में मेरे ख्याल से उनकी प्लेइंग 11 में इस बार रसूल नहीं था। रसूल खान बहुत अच्छा एक प्लेयर है, और वो अगर वो भी आएगा तो बैलेंस बहुत अच्छा हो जाएगा उनकी टीम को, बॉलर बैट्समैन फील्डर तीनों बहुत अच्छा है। चलें मैं तो अल्लाह बादशाह के साथ चले, मेरी इसमें मलिक 11 प्रेडिक्शन है, सिर्फ अल्लाह बादशाह ने कोई दिल पर नहीं लेनी बात, मेरी सिर्फ प्रेडिक्शन है कि मलिक 11 मुझे लग रहा है मैच जीत सकती है। देन अल्लाह तवक्कुल वर्सेस शहीन, इसमें मैं पहले प्रेडिक्ट कर दूं ये मैच शहीन जीतेगी। मैं भी यही कह रहा हूं शहीन जीतेगी। अच्छा जी बिल्कुल ओके। अच्छा ये दोनों टीम्स ना मोस्ट एक्सपीरियंस साइड है, एक्सपीरियंस वर्सेस एक्सपीरियंस कह सकते हैं। यस मगर इसमें शहीन का ये देखा जाए, शहीन एक्सपीरियंस है मगर वो दिल से बड़ा खेलते हैं, बहुत ही ज़्यादा उस डिवोशन से, और अल्लाह तवक्कुल भी ऐसी है। पता नहीं क्यों मैं शहीन के साथ जा रहा हूँ, मुझे शहीन पर थोड़ा बिलीव है कि शायद वो जीत जाए मैच। मैं भी शहीन के साथ ही जाऊँगा। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। देखते हैं प्रेडिक्शन कैसी रहती है और क्या होता है नेक्स्ट संडे मैचेस में, अगर मैचेस होते हैं, ये बड़ा क्वेश्चन है, ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है या नहीं होंगे। सो पॉइंट्स टेबल थोड़ा सा आपको दिखा दूं, पॉइंट्स टेबल पे इस वक्त सिचुएशन क्या है, आप इसे पॉइंट्स टेबल पे देख सकते हैं। अल्लाह बादशाह टेबल के टॉपर्स हैं, अल्लाह बादशाह के बाद यूनाइटेड स्टार्स हैं, यूनाइटेड स्टार्स के बाद शहीन आ रहे हैं, और शहीन के बाद फिर आते हैं हमारे ये पंजाब लॉयंस, और पंजाब लॉयंस के बाद आते हैं राइजिंग स्टार्स। तो एज पर रन रेट ये पॉइंट्स हैं, और 3-3 पॉइंट्स इस बार विनिंग टीम्स के हैं, क्योंकि सेकंड वीक में जो जीती है टीमें, बाकी 1-1 पॉइंट्स हैं। और जिस जिसके 1-1 पॉइंट है उसमें आप टीम्स देखें, पख्तूनस हैं, ट्रॉफी फाइटर्स भी हैं, वर्ल्ड इलेवन भी हैं, डार्क हॉर्सेस भी हैं, अल्लाह तवक्कल हैं, और स्टार्स। तो इसमें जो तीन टीम्स हैं ना उस पर तो बहुत ज़्यादा अभी ये डाउट्स है कि ये क्या कर रही थी, चार टीमें कि डार्क हॉर्सेस एक पॉइंट के साथ हैं अभी, ट्रॉफी फाइटर, वर्ल्ड इलेवन और पख्तूनस। तो ये टीमें इसमें तीन टीमें तो एक्सपीरियंस टीम है, सारे सीजन खेली हुई हैं, कहने फाउंडर हैं WSL T20 की, तो अगर ये इस तरह का परफॉर्म करेंगी तो बड़ा क्वेश्चन मार्क है परफॉर्मेंस पे, कि क्या चाह रही है इस बार इनका स्क्वाड की सिलेक्शन सही नहीं है। सिलेक्शन ठीक है, हर चीज़ है, जैसे स्क्वाड देखा है हर टीम का, वार्म अप मैचेस जारी बात है, सब इजी ले रहे हैं, लेकिन इतना भी इजी नहीं ले रहे। अच्छा जी, तो आई होप ये टेबल टर्न करेगा, अभी बड़ा शफल होगा, क्योंकि अभी आगे 4 मैचेस हो रहे हैं, 6 मैचेस हर टीम ने खेलने हैं, 2 मैचेस हो चुके हैं, 4 आगे मैचेस और खेलने हैं अभी टीम्स ने, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा अभी ये आएगी, शफल होगा। मगर मैं देख रहा हूँ अल्लाह बादशाह टेबल का टॉप करेगी। चलें देख लेते हैं आपकी क्या प्रेडिक्शन। मेरी प्रेडिक्शन से हर वीक प्रेडिक्शन आती रहेगी, अभी क्या कहते हैं अभी से मैं जो मलिक 11 के साथ जाऊँगा, मलिक 11 टेबल टॉप करेगी, टेबल टॉप करेगी। चलो जी लेट्स सी क्या होता है, आई होप आपको एनालिसिस पसंद आया होगा। ये हमारी एफर्ट है टेबल क्रिकेट का रियल फेस दिखाने की, कि टेबल क्रिकेट असल में है क्या, बहुत अच्छी क्रिकेट हम ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने आपको कहा था मैं एक क्वेश्चन करूंगा हर शो के एंड में, तो आज का क्वेश्चन है WSL T20 सीजन 1 की फाइनलिस्ट टीमें कौन थी और किसने WSL T20 सीजन 1 विन किया था। जो आंसर देना चाहता है वो ज़रूर आंसर दें, हमारे कमेंट सेक्शन में आप आंसर कर सकते हैं या हमारे यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू सो मच उस्मान, आपने हमें ज्वाइन किया, और नेक्स्ट वीक के लिए भी पूरी तैयारी से आएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि बहुत टफ मैचेस होने वाले हैं। मे भी देखते हैं आपकी प्रेडिक्शन सही रहती है मेरी, और याद रखिएगा अपने प्रेडिक्शन भूल जाना आपने, मैं चीज़ें भूलता नहीं। बस ठीक हो गया, मैं भी नहीं भूलूंगा। दिस इज़ इट, ये हमारे WSL T20 पॉडकास्ट एपिसोड 1 का एंड है। इंशाल्लाह एपिसोड 2 में ऐसे ही डिफरेंट मैचेस का रिजल्ट्स और सारी चीज़ें लेके आपके पास आएंगे, देखना ना भूलिएगा। दिस इज़ उमर जफर, उस्मान मलिक साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफिज़।